महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर ए के चौबे एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक विशेष चर्चा करने के लिए, और आपको अपने YouTube चैनल पर सादर अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों देखिए, मेरी चर्चा जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से देखिए, नाम राशि से भी देखिए, और देखिए जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो जरा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट देखें, कुछ भी, जाते जाते बहुत खुशी से मैं मानूंगा, चाहे आप गाली दें, बुरा कहें, तारीफ करें, कुछ भी करें, आई विल अप्रिशिएट, नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए, लेकिन मैं अब चर्चा क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं अभी जो बताने वाला हूँ बात, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर रिमाइंड कर रहा हूँ। देखिए, ये 15 मार्च से मंगल देव शनि की कुंभ राशि में आ गए, शनि के पास आ गए। देखिए 15 मार्च से मंगल का, शनि का, मैंने पहले भी बताया था और 2 साल पहले भी बताया था, जब मेरे पुराना वीडियो, जब के रशिया का यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, देखिए तब भी यही कहा था मैंने। देखिए, शनि का मंगल का अंगारक दोष बना था। अब मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, देखिए वो टाइम शुरू हो चुका है 15 मार्च से, जब अंगारक दोष बन गया फिर शनि का मंगल का, क्योंकि कुंभ राशि में मंगल आके शनि के पास बैठ गए। शनि, और देखिए मंगल फायरी प्लैनेट हैं, मंगल ऊर्जा के हैं, तो आप देखिए ऊर्जा का शनि के पास आना है, शनि को मंगल बिल्कुल पसंद नहीं है, अंगारक दोष बन रहा है। तो मैंने जैसे कहा है, घटना है अंगारक घटना है, मतलब आग जलने की घटना है, जगह डिफरेंट जगह पे आग लगेगी, आग जलेगी, बाजारों में आग, कहीं कहीं आग जलने की घटना है। और देखिए आपस में वैमनस्य पैदा और बिना बात के लड़ाई झगड़े, आंतरिक लड़ाई झगड़े प्लस बाहर के, यानी बड़े बड़े कंट्रीज में झगड़े बढ़ेंगे। ये जो है, ये दोष जो अंगारक है ना, ये युद्ध करा देगा पड़ोसी कंट्रीज में, और आंतरिक झगड़े करा देगा लोगों में, मतलब आंतरिक वैमनस्य बिना बात को, धर्म के ऊपर आधारित, कहीं क्रिश्चियन मुस्लिम्स के, कहीं हिंदू मुस्लिम्स के, डिफरेंट मतलब कम्युनिटी के, बिना बात को, क्योंकि ये नेचुरल टाइम ही ऐसा है, जो कि लोगों के अंदर ऊर्जा बड़े आग भरी होगी, एक दूसरे के प्रति आग और ऊर्जा ज़्यादा है, तो बिना बात को बहस करेंगे, झगड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो मित्रों ये टाइम जो है बड़ा सोच समझ के चलने का है, इजीली आप भड़के मत, आप लोगों के प्रति देखिए अपना निष्ठावान रहें, दोस्त के प्रति निष्ठावान रहें, और भूल जाएं धार्मिक झगड़े बड़े, ये सब प्रकृति देखिए, कुदरत एक ही ने बनाया है, एक खुदा अल्लाह भगवान जो कुछ भी है, प्रकृति वन मैन वन गॉड। अब उसको डिफरेंट रूप में लोग मानते हैं, अपने अपने कहते हैं, कहिए अपने 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 ईथोस हैं, अपने अपने आस्थाएं हैं, तो अपनी आस्थाओं के हिसाब से भाई, अब हम मानते हैं कि हमको यमराज लेने आएंगे, हम मरेंगे तो यमराज के दूत आएंगे, दूसरा कोई नहीं मानता है, तो मरने की क्रिया तो होगी और पैदा होने की क्रिया भी होगी, आप माने मत माने, आपके लोगों ने जो कहा है उससे प्रकृति अपना बदल तो देगी नहीं। और ये तो है नहीं कि एक बिल्डिंग में दो माले पे एक आदमी मुस्लिम रह रहा है, एक हिंदू रह रहा है, उसको जो है लेने के लिए देवदूत आएंगे या यमराज के दूत आएंगे, उसको लेने के लिए कोई और कहीं से आएंगे। तो भाई एक ही दुनिया है, एक ही कोई, अलग अलग कंट्रोलर एक ही है पूरा, कंट्रोलर दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न कुछ है, प्रकृति की एक क्रिया से प्रकृति ने एक सृष्टि करी, और उसका कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे जिसको जो पालेगा उसको, उसी के हिसाब से वो जिएगा और उसकी आस्था डेवलप होगी उसमें, उसको आप चाहे पूजा पद्धति कुछ भी सिखा दिए, हिंदू बना दिए, मुस्लिम बना दिए, क्रिश्चियन बना दिए, जैन बना दिए, सिख बना दीजिए, कुछ कर दीजिए,
जो बच्चा पैदा हुआ प्रकृति की तरह से तो प्योर। और देखिए डीएनए या जीन्स वगैरह में कोई वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं होता है। हाँ ब्लड ग्रुप तो लोगों के अलग होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये मंगल और शनि का जो बनेगा अंगारक दोष, इसमें थोड़ा संभल के रहिए, थोड़ा सा अपने आपस में प्रेम भाव से रहिए। लेकिन फिर भी देखिए घटनाएं तो घटेंगी घटेंगी, युद्ध भी होंगे, लड़ाई भी होगी और वातावरण खराब होगा, लेकिन फिर भी जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें। देखिए सेनाओं के मूवमेंट होंगे, पुलिस के मूवमेंट होंगे इस टाइम में। अब देखिए 15 मार्च से मंगल शनि का ये बना टाइम, और देखिए करीब मंगल का शनि का अंगारक रहेगा करीब 23 अप्रैल तक। और मैं बताऊं पर देखिए 23 अप्रैल के बाद ही फिर मंगल प्रवेश कर जाएंगे राहु के पास मीन राशि में, तो मंगल का राहु के साथ भी फिर अंगारक दोष बनेगा। वो भी अब देखिए वो भी दोष अंगारक होता है। राहु क्या है? राहु आपके भ्रम है, राहु बड़बड़ी आपके जो है सोच विचार है, आप पता नहीं कहाँ से क्या सोचेंगे, तो एक दूसरे के प्रति आप गलत सोचेंगे, गलत भावनाएं पैदा होंगी, आपका विस्तार होगा, आप अरे फलाना ऐसा सुनेंगे, अफवाह फैलेगी फलाना ने ऐसा किया, फलाना ऐसा कह रहा था। तो मित्रों ये टाइम जो है इन दिनों ही देखिए इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, इलेक्शन के प्रचार शुरू हो जाएंगे, तो बिना बात को मीटिंगों में आपस में पब्लिक बिना बात को बहस करेगी और एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा बहस फजूल की, जिसका कोई फायदा नहीं। भाई तुम जिसको चाहो वोट दो, तुम जिसको चाहो वोट दो, जो मेजोरिटी में आएगा सरकार बनाएगा, लेकिन आपस में बहस क्यों करते हो, लड़ते क्यों? तुम कोई कन्विंस नहीं कर सकता एक दूसरे को। जिसका जिसका अपने दृढ़ इसका निश्चय है कि साहब बीजेपी में ये खराबी है या बीजेपी में ये अच्छा ही है और कांग्रेस में ये, वो वही देगा, कुछ भी कर लो वो अपना विचार बदलेगा नहीं। हाँ नेता लोग तो बदल सकते हैं विचार, जिनको टिकट नहीं मिलती है ना उनकी देखिए कोई भावनाएं या कोई नीतियां नहीं बदलती हैं, वो खट सा टिकट के लिए अपने लाभ के लिए फॉर्म बदल देते हैं और उनको पार्टी टिकट भी दे देती है। ये जो गलत बात है, जो आदमी उस पार्टी में काम कर रहा है, जो उम्मीद कर रहा है, वो उसको न दे करके आप जो अभी दूसरी पार्टी से बदल के आया उसको आप खुश करने के लिए कि हमने एक पार्टी का आदमी तोड़ लिया उसको टिकट दे देते हैं, जो कि फिर कर्मचारियों जो आपके कार्यकर्ता हैं नीचे वाले वो कुछ कहते नहीं हैं, वो उनके अंदर बहुत रोष आता है, बहुत गुस्सा आती है और बड़े बेमन से लोग काम करते हैं फिर वो। तो ये ऐसा होगा पर क्योंकि टाइम ही ऐसा है। भावना देखिए राहु क्या है, केवल अंधकार है और सोच है, और आपके आपके मन में जो ऐसी ऐसी भावनाएं उठेंगी यानी इमेजिनेशन बड़े बड़े दूर तक की गलत गलत। तो अभी जो है 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक का टाइम जो है ये भी अंगारक दोष में आएगा। तो मैं समझता हूँ अब 15 मार्च से लेकर 1 जून तक का टाइम पूरी दुनिया के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम है, बड़ा अंगारक दोष का टाइम है, लड़ाई झगड़े का और युद्ध के बढ़ने का। और देखिए हिंदुस्तान में तो मैं समझता हूँ अगर इलेक्शंस का रिजल्ट जो है या नई सरकार जून में बनती है वो ज़्यादा लाभकारक रहेगी, क्योंकि अंगारक दोष 1 जून को ख़त्म हो जाएगा। और अगर फाइनल जो है सरकार जून में ही बनती है, कैसे ही मतलब अंत का फाइनल रिजल्ट जो काउंटिंग जून में हो, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मई में और इसमें प्रचार के दौरान बड़ा घमासान होगी और बहुत विस्फोटक स्थिति हो सकती है। ये जो है मैं समझ रहा हूँ ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वॉल्वमेंट होगा, विश्व के बड़े बड़े देशों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर भारतवर्ष के खिलाफ हैं, वैसे दिखाने को वो दोस्त हैं, ये सब इन्वॉल्व होंगे। ये राहु की वजह से होगा। तो मैं समझता हूँ मित्रों ये टाइम 15 मार्च से 1 जून तक का टाइम बहुत ही कठोर टेस्टिंग का है, आपके आपके पेशेंस आपकी उसका टेस्टिंग है, आप कितने मतलब सहनशील हैं और अपनी भावनाओं को कितना दबा के और रख सकते हैं और बेमनस को कितना कम कर सकते हैं। अब इन सब के लिए आपको इन सब से बचना है तो भाई दो ही उपाय हैं। आप देखिए भगवान हनुमान और भगवान महादेव भोले बाबा,
इन दोनों में से आप दोनों ही कर सकते हैं, तो क्या आप अपने को बचाने के लिए, अपने मन को, मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए, राहु के दोषों से बचने के लिए, चंद्रमा का मन को ठीक रखने के लिए, मंगल को ठीक रखने के लिए, मैं समझता हूँ आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, भगवान हनुमान की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, सोमवार को शिव का उपासना कीजिए, मंगल को हनुमान का उपासना कीजिए, और मैं तो समझता हूँ कि शनि की भी उपासना कर सकते हैं तो भी अच्छा है, जिनका शनि थोड़ा खराब होगा तो ठीक हो जाएगा, तो शनि का भी आप कर सकते हैं तो आपको शांति रहेगी। देखिए उपासना करने से, ये सब करने से आपका मन जो है ठीक रहता है, आपके आपके भाग्य में जो लिखा है वो कैसे बदल जाएगा, भाग्य का लिखा बदल नहीं जाएगा, भाग्य का लिखा आपको, आपका कुछ मन, आपका दिमाग ठीक रहेगा ना, संतुलन, तो आपको फिर खराब स्थिति में भी अच्छा मालूम पड़ेगा। तो ये जो टाइम है भाई, 15 मार्च से 1 जून तक का, यानी दोनों मंगल का, शनि का, मंगल का, राहु का, आप जरा समझ कर रहिएगा। देखिए उसके बाद मैं समझता हूँ 1 जून, देखिए मंगल वैसे वृश्चिक राशि के लिए शत्रुघ्नता, बहुत से पंडित लोग बता रहे हैं मोदी के लिए मंगल बहुत खराब है, मैं फिर एक बार कह दूं, मैंने पहले भी कहा है कि मंगल जो है मोदी के लिए 1 जून से जो है देखिए बहुत अच्छा फल देगा, जब ये अंगारक दोष से निकल जाएगा, और छठे भाव में, छठा भाव 1 जून से मतलब शत्रुघ्नता, कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और भाई आप कुछ भी कर लीजिए मंगल, और देखिए मोदी जी की जो है महादशा भी मंगल की चल रही है, मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, इनके लग्नेश हैं, और देखिए मंगल अभी वर्तमान गोचर में छठे भाव में है, तो मैंने पहले भी कहा है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, कोई इनके सामने नहीं आ रहा है, ईश्वर ने अभी दिए ही ऐसा है वर्तमान, आप बुराई कर लीजिए, गाली दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रकृति को बदल नहीं सकते हैं, प्रकृति में मेजोरिटी में देखिए अभी तो NDA ही आ रही है, और केजरीवाल तो बहुत जल्दी निगेटिविटी के यानी शनि के प्रभाव में जाने वाले हैं और उसका नुकसान भुगतेंगे, क्योंकि शनि इनका अच्छा नहीं है, शनि इनका कुंडली में भी मेष राशि में है, नीच का शनि है, और इनकी शनि की महादशा शुरू हो जाएगी 29 मार्च से, तो इनका तो भाई भगवान ही मालिक है, शनि का दंड तो मिलना ही मिलना है, शनि झूठा व्यक्ति और देखिए आलसी व्यक्ति और कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं, सबसे खराब ईमानदारी की है, भ्रष्ट व्यक्ति को तो शनि दंड देते हैं, अगर आप अपना भ्रष्टाचार को बंद कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, और जो कहें वो ही करें, आप कहते कुछ है करते कुछ है, तो भाई शनि का दंड तो मिलेगा मिलेगा। तो मित्रों मैं फिर बता रहा हूँ एक बार आपको कि अंगारक दोष से हालांकि विषम परिस्थितियाँ बनेंगी, अभी शनि मंगल और मंगल राहु ये सब, लेकिन अंततो गत्वा आखिर में भारत विजयी रहेगा, भारत में शांति स्थापित रहेगी, नई सरकार बनेगी, और देखिए जुडिशरी भी बड़ा इंटरफियर करेगी इस समय, अननेसेसरी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी मित्रों फिर बता दूं एक बार यहाँ, और ये और कह दूं कि देखिए जब से ये CAA आया है, इससे और ऐसी स्थिति बन गई है जो कि कुछ लोगों को भ्रम पैदा कर दिया गया है, तो वो खिलाफत हो गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आम जनता मेजोरिटी जो है CAA की वजह से और सपोर्ट बढ़ेगा, और CAA के बाद पहले भी तो अच्छे मत आ रहे थे, अब तो मुझे लगता है CAA के बाद तो NDA 400 पार सरतिया हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है अब, क्योंकि मेजोरिटी CAA के फेवर में है, मेजोरिटी जो बाहर से माइनॉरिटी यानी हिंदू सिख और जैन और पारसी और बौद्ध ये सब जो है जो परेशान थे, प्रताड़ित थे, मैं पाकिस्तान भी जाकर रह चुका हूँ, पाकिस्तान भी गया था मैं किसी प्रोग्राम में, 1 महीने रहा था, मैंने देखा है तो क्या हालत है वहाँ पर,
माइनॉरिटीज की, माइनॉरिटी के धर्म स्थलों की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो हालत जो है सी ए अब मेजोरिटी जो है भाई जिन लोगों को ये सब देखिए सारा का सारा जो है वोट की राजनीति है। आप मतलब ये अच्छी बात नहीं है, खुश करने के लिए किसी को आप जो है अननेसेसरी किसी चीज़ की बुराई कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ने, मैं पहले बहुत कांग्रेस का भक्त था क्योंकि मेरे फादर बहुत पुराने कांग्रेसी थे, तो मैं तो बहुत कांग्रेस का भक्त था, लेकिन मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया कांग्रेस के अलावा। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कांग्रेस अपने कार्यों से गिर चुकी है, हट चुकी है। कांग्रेस में किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, केवल एक परिवार का ही सम्मान है। जैसे एक अब उस परिवार में कोई गधा पैदा हो जाए चाहे कोई बुद्धिमान पैदा हो जाए, उसके लिए बाकी जनता से मूर्ख है। बड़े बड़े विद्वान शहर में पूरे कंट्री में पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, लॉ वाले वैसे PhD साइंटिस्ट सब, वो उसके सामने सब बेकार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब एक पार्टी का तो अब नेशनल पार्टी का अंत है मेरे समझ में तो, क्योंकि बहुत दुखी हो चुके हैं लोग उसके सिरमौर जो मालिक हैं उसके उनके कार्यों से। और पिछले मनमोहन सिंह के टाइम में जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ धन का, वो लोग उससे दुखी हो चुके हैं। तो मित्रों मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि आप लोग इस टाइम में संभल कर रहिए, होशियार रहिए, भगवान में आस्था रखिए। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ शक्ति तो है, जो नहीं मानते नास्तिक लोग हैं उनको भी देखिए मैं बता रहा हूँ। जिंदगी में एक दिन आता है हरेक के लिए जब वो कहता है हे भगवान बचा, यानी जो नहीं मानता भगवान को वो भी कहता है ईश्वर, मतलब कुछ ना कुछ तो है। देखिए कुछ ना कुछ तो शक्ति है, क्या है वो कोई नहीं जान पाया आज तक। बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े भगत, जो अगर जो जान लेता है वो कुछ कह नहीं बता नहीं पाता है। जो बाकी फालतू बातें करते हैं ना, महात्मा लोग भाषण देते हैं सब करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो एक धंधा है, पैसा कमाने का धंधा है। क्योंकि जो जान लेता है वो तो बता ही नहीं सकता। ऐसा स्वाद है उसका कि जो है जैसे कि जो कहते हैं ना गूंगा और वो बोलता नहीं है, जो वो उसको आम का खिलाओ तो आम में रस में कितना आनंद है वो कैसे बोल पाएगा, बता ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जो है ईश्वर के या प्रकृति के रहस्यों को जो जान लेता है वो बता ही नहीं सकता है। कुछ मिल जाएंगे साधु महात्मा लोग जो कि बड़े बड़े हिमालय पहाड़ पर्वत में कंदरा में तपस्या कर रहे हों, वो नीचे नहीं आते। और बाकी जो नीचे आते हैं वो तो सब दिखावटी लोग हैं, वो तो धंधा कर रहे हैं, वो तो करोड़ों रुपया कमा के ऐश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ शक्ति तो है प्रकृति में, जिसको जानने के लिए लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन खपा चुके हैं लेकिन समझ नहीं पाए। पर मैं ये समझता हूँ कि वो एक ही शक्ति है, वो एनर्जी है। एनर्जी की एक बूंद से कितना मैटर बन जाता है, जैसे फिजिक्स साइंटिस्ट कहते हैं E=mc². तो जरा सी एनर्जी की एक बूंद से कितना एम कितना मास प्रोड्यूस होता है। और हिग्स पार्टिकल जो सके उसके हिग्स फील्ड के थ्रू मास गेन, जो पार्टिकल पास हुआ था उसका मास गेन। तो प्रकृति में देखिए फील्ड और प्रकृति के जो फोर्सेस हैं वो सब रेस्पॉन्सिबल हैं, एनर्जी फोर्स फील्ड। अब आप यूँ कहिए उनको, आप उसको ईश्वर कहिए, भगवान के कुछ के लिए, लेकिन कुछ शक्ति है और वो एक ही शक्ति है, वो चार शक्तियाँ नहीं हो सकती हैं। झगड़ा बेकार है कि मेरे भगवान के अंडर में तेरा भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी सोर्स है उस परम पिता परमात्मा, परम एनर्जी, एब्सोल्यूट एनर्जी सोर्स, उसमें सबको मिल जाना है बाद में नष्ट होकर के, हमारा शरीर भी नष्ट होकर के वो एनर्जी के परम सोर्स में मिल जाता है। बूंद बूंद सब जैसे अब पता नहीं, अब शरीर नष्ट हो गया, मैटर खत्म हो गया तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, आपने दफना दिया तो वो भी नष्ट हो गया, वो स्थूल शरीर तो वह धीमे धीमे नष्ट हो जाता है। तो एक सोर्स से सब उपजा है, वहीं से पैदा हुआ है, और फिर बाद में वो सोर्स में ही एनर्जी को मिल जाना है। देखिए कितनी प्रचंड एनर्जी होती है
कितनी प्रचंड जब तूफान आते हैं समुद्र में, सुनामियाँ आती हैं, तो देखिए कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, कितनी विशाल एनर्जी है। और उस परम पिता परम एनर्जी को एब्सोल्यूट एनर्जी की कल्पना कीजिए आप, जिसकी एनर्जी की एक बूंद से कितना मैटर बन जाता है, और फिर वो बाद में मैटर खत्म हो गया वो एनर्जी उसी में मिल जाती है। तो इसलिए ये झगड़े बेकार हैं, कोई अलग अलग नहीं है। और देखिए भगवान कभी अवतार नहीं लेता है, भगवान के रूप में स्पेशल आत्माएं आती हैं, वो सुपर पावर होती हैं, वो हम आम आदमी से बहुत ज़्यादा, उनके ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा बलशाली होती हैं। ईश्वर ने कभी, ईश्वर तो पैदा ही नहीं हो सकता, ईश्वर मानव रूप में जो आता है वो अवतार कहिए उसको, पैगंबर कहिए, कुछ कहिए, लेकिन झगड़े इसी के हैं कि भगवान, भाई भगवान पैदा ही नहीं होता, भगवान क्यों, वो एनर्जी का सोर्स है अपने रूप में, वो एनर्जी की थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दे दी किसी को, ज़्यादा दिमाग अच्छा दे दिया, वो ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, वही ईश्वर रूप हो गया, आप उसकी पूजा करने लगते हैं कि ये इसने परम शक्ति है उसके अंदर, परम बुद्धि है उसके अंदर, वो ईश्वर स्वरूप मान लिया जाता है, कि उसके कार्यकलाप ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। तो मित्रों मेरा कहना यही है कि आप थोड़ा सा इस टाइम में, अब मार्च अप्रैल मई ये टाइम जो है आपका, होशियारी से रहने का है, ईश्वर भक्ति में रहिए और बस संभल के रहिएगा। मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ, देखिए फिर आऊँगा तो खुद और चर्चा करूँगा आपसे। नमस्कार।